आइए आपको ले चलते हैं जनपद मैनपुरी के एक ग्राम नंगलाबीरे में, जिसकी ग्राम पंचायत सड़ ब्लॉक क्षेत्र करहल मैनपुरी है। दोस्तों, आपको आज बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा गांव, जहां आज तक गांव के किसी भी घर में न तो शौचालय है, न समस्त ग्राम में कोई खरंजा या नाली है, इसीलिए कहा गया है कि नंगलाबीरे आदर्श जनपद मैनपुरी का एकमात्र गांव ऐसा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा गांव है। आप गौर से देखिए इस वीडियो को, न्यूज स्कैन ने इसकी जांच पड़ताल की है और आप तक इस वीडियो को पहुंचा रहा है। देखिए, गौर से देखिए इस गांव को। पूरे गांव में जाने के लिए कच्चा रास्ता है, कहीं खरंजा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जगह जगह पानी का भराव है, बरसात में लोग घुटने तक कीचड़ में सनते हुए अपने घर तक पहुंचते हैं। ये हालात हैं इस गांव के। इस गांव के वर्तमान प्रधान ने कुछ समय पूर्व इस गांव के विकास के लिए कुछ पैसा सैंक्शन कराया है, जिसको बिना लगाए एक रुपए भी जिन्होंने खर्च नहीं किया है, और पूरे गांव का पैसा सैंक्शन करा के कई अधिकारियों के साथ मिली भगत करके दिखा दिया कि पूरा गांव में आरसीसी इंटरलॉकिंग खरंजा नालियों के साथ हो चुका है। लेकिन दोस्तों, समझ नहीं आ रहा है, आदर्श जनपद मैनपुरी में, जहां हमेशा माननीय मुलायम सिंह यादव जिसके सांसद रहे हैं, उसके बाद उन्हीं के परिवार से तेज प्रताप यादव सांसद रहे हैं, कहा जाता है कि इटावा मैनपुरी उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। गौर से देखिए आप लोग, कौन कह सकता है कि सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आपको बताते हैं, जो घोटाला हुआ है ग्राम पंचायत में, उसको लगातार मीडिया भी बार बार सबको शेयर कर रहा है कि घोटाला प्रधान और प्रधान के कई सहयोगी सचिव और भी कई लोगों ने मिलकर किया है। इस पर जांच भी की गई है। इस जांच में स्पष्ट तौर पर पाया गया कि इन लोगों ने मिलकर ये सब पैसा ढकारा है। जब प्रधान को अपने अधिकार सीज करने का आदेश ऊपर से हुआ, तो आनन फानन में देख लीजिए आप लोग, ये आनन फानन में खरंजा बनाया जा रहा है। इस खरंजे में आप देख लीजिए, मिट्टी के ऊपर न कोई कंकड़ है, न कोई पत्थर है, बस मिट्टी के ऊपर यूं ही ईंटें डाल दी गई हैं। इस शासन के रवैये को देखिए कि इस गांव के अंदर जो गोलमाल चल रहा है, ये धांधली चल रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। गांव में ये खरंजा जो बिछाया जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं, नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, उसके ऊपर ईंटें यूं ही लगा दी गई हैं। न कोई साइड में नाली है, न कोई गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है, बस केवल खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि डीएम साहब ने ऐसे आदेश दिए हैं कि प्रधान के अधिकार सीज किए जाएं। प्रधान ये बताएं कि उन्होंने जो पैसा निकाला था, वो गांव के विकास में क्यों नहीं लगाया गया है। प्रधान को डर है कि कहीं हम फंस न जाएं, इसलिए आनन फानन में ये सब किया जा रहा है। मेरी अपील है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से, डीएम मैनपुरी से, कि तत्काल इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई की कोशिश करें, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत ही विचारणीय है।